स्टेटस अपडेट फाइल्ड, प्रेस ओके टू रिट्राई। यह मोरफो डिवाइस में एरर आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है, एक सेकंड भी कहीं स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको यूजर अकाउंट में जाना है और चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग, इसके अंदर ये सारा लास्ट में होना चाहिए जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाना है। अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाकर के ये जो आपको C++ 2005 दिखाई दे रहे हैं इनको अनइंस्टॉल करना है। सभी को अनइंस्टॉल कर देना है C++ 2005 और C++ 2008 जितने भी हैं सबको अनइंस्टॉल कर देना है। कोई भी छूटना नहीं चाहिए। यदि कोई छूट गया तो आपकी बीमारी का सोल्यूशन नहीं होगा। सबको कर देना है बारी बारी। पुराना ड्राइवर जो है कोई भी आपके कंप्यूटर में नहीं रहना चाहिए। सारा ड्राइवर जो है वो लेटेस्ट आएगा, उसके बाद ही आपकी मोरफो डिवाइस जो है वो चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और पसंद आए तो दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करना न भूलें। मोरफो आरडी के जितने भी ड्राइवर हैं या मोरफो नाम से जितने भी ड्राइवर हैं वो सारे के सारे अनइंस्टॉल करने हैं। टाइम आपका कितना ही लगे लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका काम 15 मिनट और 11 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगा। मोरफो स्मार्ट यूएसबी ड्राइवर को भी अनइंस्टॉल करना है। 15 मिनट 11 सेकंड ओनली, आपका काम सक्सेसफुल। इसके बाद में और कुछ देख लीजिए इसके अंदर कुछ नए हो, सी क्लीनर वगैरह एंटीवायरस वगैरह है वो भी आप अनइंस्टॉल कर देना यदि प्रॉब्लम करे तो। फिर लोकल डिस्क सी के अंदर मोरफो नाम से जितने भी फोल्डर हैं, टीसीएस नाम से फोल्डर है, मोरफो आरडी के नाम से है या और जो भी एक्स्ट्रा है वो सारा का सारा डिलीट करना है। कोई भी कचरा सी ड्राइव के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कचरा जिस प्रकार से आंखों के अंदर एक कण भी मिट्टी का आ जाता है तो प्रॉब्लम करता है, उसी प्रकार से ये भी डिवाइस को चलने नहीं देगा। इसके बाद में आपको बीसी के सॉफ्टवेयर पे जाना है। बीसी का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पहले से फोल्डर है तो उसको डिलीट कर देना है क्योंकि फोल्डर के अंदर वायरस आ सकता है। इसके लिए आपको नया जिप जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना है और फोल्डर में कन्वर्ट करना है। फोल्डर कन्वर्ट हो गया तो इसके बाद में आपको पुराना जो आरडी ड्राइवर है उसको डिलीट कर देना है। इसके बाद रन एज एडमिनिस्टर में बैट फाइल जो है इसको रन कराना है, प्रेस एनी की यहाँ चेक मार्क करना है और डिलीट कर देना है। क्लोज पे क्लिक करें। ये जितनी भी है स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन है। नेक्स्ट करें, जावा इंस्टॉल होगा, जावा को रन अप होने दें। बीच में कोई भी चीज को कट नहीं करना है, नेट को चालू रखना है, नेट को बंद नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी चीज जो है वो नेट से तुरंत अपडेट लेती है। क्लोज करें। इसके बाद में इसको चलने दें और अपने आप स्टेप आएगी, आपको कुछ नहीं करना। इसकी ओके कर देना है, इंस्टॉल नहीं करना है, ये पुराना है। इसके बाद में नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। ये मोरफो ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल इसको होने दें। ये C++ 2008 जो मैंने आपसे अनइंस्टॉल करवाए थे वो अब इंस्टॉल हो जाएंगे नए बिल्कुल फ्रेश बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको यहाँ पे C++ 2005-08 इंस्टॉल करने की अलग से आवश्यकता नहीं है, ये ड्राइवर के अंदर अपने आप लेता है। तो इसको इंस्टॉल होने दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलें क्योंकि आप जितना लाइक और शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे स्मार्ट जो है उसके ऊपर ओके कर देना है, यानी कंप्यूटर जो बना हुआ है उसके ऊपर ओके करना है और यहाँ पे नो कर देना है। प्रेस एनी की दवाई है, इसको ओके कर देना है और यहाँ इसको इंस्टॉल नहीं करना है। इंस्टॉल कर भी सकते हो क्योंकि ये 2022 तक है, बाकी इंस्टॉल नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको काट दें। अभी
आपको क्या करना है, गूगल क्रोम खोलिए और यहाँ पे मोर फॉर आरडी सर्विस लिखना है, क्योंकि लेटेस्ट ड्राइवर ही अभी मोरफो डिवाइस के अंदर काम कर रहे हैं, पुराना कोई भी ड्राइवर काम नहीं करेगा। यहाँ से आपको लेटेस्ट ड्राइवर डाउनलोड करने हैं और यहाँ से डाउनलोड करने के ही आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड हो चुका है, सो इन फोल्डर करना है। सो इन फोल्डर आप कर देते हो तो उसके बाद में आपके सामने जिप फोल्डर ओपन होगी। जिप फोल्डर को अनजिप किए बिना इंस्टॉलेशन नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, अन्यथा ड्राइवर सक्सेसफुल इंस्टॉल नहीं होंगे। इसको मैंने कॉपी कर लिया है। हर कंप्यूटर में आप डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर के अंदर अपने सॉफ्टवेयर को रखें, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी न हो और दूसरी जगह कचरा भी नहीं भरा जाएगा। इसको एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में सारा का सारा जो है वो आपका फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके करें इसको। ओके कर लोगे तो सारा एक्सट्रैक्ट हो गया, फोल्डर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको वेट करना है फोल्डर में जब तक कन्वर्ट नहीं होता है, अभी सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद में ये विंडो 10 है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि विंडो अपडेट जो है उसको बंद कर देना है, डिसेबल करना है, अन्यथा वो ड्राइवर को सही इंस्टॉलेशन नहीं होने देगा। और दूसरी बात, जो आपका जो नेट पैक है वो भी समाप्त कर देगा, तो इसको डिसेबल कर देना है। बिल्कुल बेझिझक होके डिसेबल कर दीजिए, अप्लाई करिए, ओके करिए, इसको आने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर दो, काट दो, क्लोज कर दो, ठीक है। तो विंडो अपडेट को हमने डिसेबल कर दिया है और एक विंडो अपडेट नीचे हो रहा है, तो इसको भी इसी प्रकार से डिसेबल कर देना है। डिसेबल है पहले से वैसे तो, लेकिन इसको दोबारा आप कर दो, स्टॉप कर दें, यहाँ से अप्लाई कर दें, ओके कर दें, हाँ इसको ओके कर दें, क्लोज कर दें, ऊपर से क्लोज हो गया। अब इसको काट देना है विंडो को, और कंट्रोल पैनल में यदि विंडो अपडेट का कोई ऑप्शन है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में विंडो अपडेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो उसको भी हटाना होता है। यहाँ पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ही अनइंस्टॉल है। इतना हो गया, स्टेप बाय स्टेप सारा मैं एक एक चीज़ को आपको समझा रहा हूँ। कोई भी यदि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो सारा सिस्टम आपका डगमगा जाएगा। इसके बाद वापस आपको सी ड्राइव खोलना है, डी ड्राइव खोलना है, सॉरी, इसके अंदर सॉफ्टवेयर में जाना है और मोरफो आरडी का जो सॉफ्टवेयर है इसको रन एज एडमिनिस्टर करना है। ये इंस्टॉलेशन लेगा, इंस्टॉलेशन पूरा होने दें, बीच में कोई भी चीज़ को कट नहीं करना है। कोई भी एरर आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9680602915, दूसरा है 9649030497 9649 90 30497 और 9680 2915, इन दोनों नंबरों पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे पूरा सक्सेसफुल इसको होने देना है, बीच में कट नहीं करना है। और देखिए डिवाइस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, आपकी आरडी जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन अभी भी सक्सेसफुल हुआ नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ये बीओबी की भी सी है, इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इंटरनेट एक्सप्लोर की सेटिंग करना है। अभी हमारा सिर्फ डिवाइस ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है, अभी और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यहाँ पे यूज न्यू ट्यूब टैब पे कर लेना है और यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग कस्टम में जाके और यहाँ पे आपको सेटिंग कर देनी है। सेटिंग करने के लिए मेरा दूसरा वीडियो मेरे चैनल पे है, उसको देखना है पूरा का पूरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो इतना बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए मेरा दूसरा वीडियो चैनल पर है, उसको आप ज़रूर देखें, 2 मिनट के अंदर आपकी सेटिंग हो जाएगी। इसको मैंने पहले कर दिया था लेकिन अभी थोड़ा बहुत हो रहा है जो उसको करना है। ट्रस्टेड जो साइट है, इसके अंदर साइटों के अंदर जो आपको पीसी चलानी है, यहाँ बीओबी की चलानी है अपने को, तो पहले से है, तो
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट स्लो की सेटिंग कैसे की जाती है वो मेरे दूसरे चैनल पे होगा। यहाँ फेवरेट के अंदर आप यूआरएल डाल के रखें ताकि आपको बार बार डालना नहीं पड़े, और जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको डिलीट कर दें। इसके बाद में हम देखते हैं इसको चला करके, चलाने से पहले इसको एक बार पूरा बंद कर दें इंटरनेट एक्सप्लोरर को, और दोबारा से इसको ओपन करें। चलिए हम इसको एक बार पहले सर्विस को रिस्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मोरफो सर्विस को रिस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी देर हमें इंस्टॉलेशन में हो गया, तो एक बार हम बिना रिस्क के एक बार मोरफो डिवाइस को हम इंस्टॉलेशन जो हुआ है उसको रिस्टार्ट कर देते हैं। और टास्क बार पे पिन बना करके रखें ताकि बार बार आपको वहां से सर्चिंग नहीं करना पड़े। इसको हमने रिस्टार्ट कर रहे हैं, रिस्टार्ट होने दें, बीच में नहीं रोकना है रिस्टार्ट को। एक एक चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, इसी स्टेप से यदि आप करोगे तो आपकी मोरफो डिवाइस है वो 101% सक्सेसफुल होगी। इसमें मोरफो स्मार्ट यूएसबी और मोरफो आरडी सर्विस दोनों को रिस्टार्ट करना है। दोनों को रिस्टार्ट कर लिया, अभी हम चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। चेक करने से पहले आप एक बार आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हो, वो मैंने कर लिया था। अभी मैंने इसको यूजर को हाइड कर दिया है, तो यहाँ पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, और नीचे जो कैप्चर के अंदर इमेज के अंदर जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं उसको हम डालेंगे और लॉगिन करेंगे। पूरी सेफ्टी के साथ, जो बड़े अक्षर हैं बड़े डालना है, छोटे हैं छोटे डालना है, और हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद में अभी तक कोई एरर नहीं आया है, देखते हैं कोई एरर आता है क्या। तो अभी सक्सेसफुल चल रहा है, कोई एरर आएगा तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। मैक्स टेल, मैक्स वाला एरर आ जाए तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। एक बार ट्राई करनी है इस एरर को मिटाने के लिए, सिर्फ रिस्टार्ट करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया है, दोबारा ट्राई करते हैं। दोबारा ट्राई कर रहे हैं तो अभी देखते हैं कोई नई समस्या आती है क्या। समस्याएं बहुत सी आती हैं, इंस्टॉलेशन हम कर लेते हैं लेकिन आगे की समस्याएं बहुत सारी होती हैं, तो वो भी मैं सारा इस वीडियो के अंदर क्लियर कर रहा हूं। 15 मिनट 11 सेकंड में आपका सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन होगा, आराम से आप करें। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाएं। तो अभी आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप देखेंगे कि आगे कोई समस्या आती है या नहीं आती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। देखिए स्कैनिंग पोर्ट हो रहा है, पोर्ट स्कैनिंग हो गया। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कोई एरर आता है या नहीं आता है। अभी तक कोई एरर नहीं आया है, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कर लिया, मैक्स वाला एरर यहाँ से हट चुका है। तो अभी हम देखेंगे लॉगिन हो रहा है क्या। तो हमारी जो बीसी है वो लॉगिन हो चुकी है, वेरीफाई सक्सेसफुल हो गई है। लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखना है, और भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। वीडियो को पूरा देखना है, टोटल बीमारियों का हल इस वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए अभी कुछ और भी एरर आ सकता है। ये देखिए ये मोरफो आरडी का एरर आ गया, तो इसके लिए आपको क्या करें। विंडो 10 के अंदर ये सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं कि बहुत सारे एरर आते हैं। मैक्स वाला एरर भी आ गया, यानी लॉगिन हो चुका है फिर भी एरर आ रहे हैं, और डिवाइस भी छोड़ दी इसने। तो अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है कि डिवाइस को किसी भी हब में नहीं लगाना है, हब से निकाल दो डिवाइस को और डायरेक्ट लगाओ लैपटॉप या पीसी आपका जो भी है, उसको आपको डिवाइस को डायरेक्ट लगाना है, हब से उसको निकाल देना है। चलिए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, डायरेक्ट हमारी डिवाइस लग चुकी है। ओके करते हैं और देखते हैं कोई समस्या आती है या नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे एरर आपके हल हो गए हैं, कैसे कैसे करने हैं। अभी देखिए सक्सेसफुल आ जाना चाहिए, अभी भी समस्या है। तो यहाँ पे आपने यदि विंडो फायरवॉल या नेटवर्क प्रोटेक्शन को ऑफ कर रखा है तो उसको ऑन करना है। देखिए नेटवर्क प्रोटेक्शन ऑफ है तो इसको ऑन करना है। जो क्रॉस का निशान आ रहा है वहां पर राइट का निशान आना चाहिए, राइट का निशान आ चुका है। अभी आपकी पीसी के अंदर सक्सेसफुल भी हो गया, कोई भी एरर जो है वो नहीं आएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो और आपके अभी 11 सेकंड बाकी हो रहे हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू, बाय बाय।